नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रतिशत से जुड़े हुए सवाल। पहले हमने कुछ प्रतिशत से जुड़े हुए सवाल देखे थे, आज हम ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें अंकों के बारे में पूछा जाता है, अंकों से जुड़े सवाल आते हैं। इसका पहले हम देख लेते हैं कि जो थ्योरी है वह क्या है। अगर पास होने के लिए एक अंक की आवश्यकता है, ये पास के अंक, और कोई व्यक्ति y अंक पाने के बावजूद, ये प्राप्तांक है, प्राप्तांक इतने पाने के बावजूद z अंकों से फेल होता है, तो कुल अंक क्या है? x अंक है पास होने के लिए आवश्यक, y अंक पाने के बावजूद व्यक्ति फेल होता है z अंकों से, तो कुल अंक कितने होंगे? x जो है वह प्रतिशत है, x प्रतिशत पास होने के लिए आवश्यक है, प्राप्तांक हुआ 5, y अंक और कमी हुई z की, तो कुल अंक हम निकाल सकते हैं। कितने अंक प्राप्तांक थे जो उसे मिले, y, कितने और चाहिए z, और कुल पास होने के लिए चाहिए x, तो y प्लस z है जो परसेंटेज है वह 100। तो यह है कुल अंक जो कि परीक्षा के हैं। ये जो फॉर्मूला है यह इस प्रकार से आया है कि कुल प्राप्त होने वाले अंक हैं जो कि पास होने के लिए आवश्यक है, वे y प्लस z है, प्राप्तांक जो हुआ और कमी जो रही। एक सवाल है, राम ने 30 अंक पाए, राम जो है वह 30 अंक पाते हैं, कुल पास होने के लिए 50% अंक की आवश्यकता थी, लेकिन राम 30 अंकों से फेल, 50% अंक पाने पर व्यक्ति पास होगा उस परीक्षा में, लेकिन राम 30 अंकों से फेल। तो इसमें आप देख सकते हैं 30 अंक मिले हैं, 30 अंक पास होने के लिए चाहिए, तो कुल 60 अंक जो है वह पास होने के लिए चाहिए, जो कि है 50%। तो अंक निकालेंगे 30 प्लस 30 बट्टा 50 गुना 100, इससे हमें मिलेगा 120 अंक। इसी को थोड़ा परिवर्तित करते हुए सवाल पूछा जाता है जो कि अक्सर परीक्षाओं में आता है। यदि अंक से जुड़े सवाल प्रतिशत के हैं और आते हैं तो उसमें पूछा जाता है, जैसे देखिए, राम एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, राम जो है वह 30% अंक प्राप्त करता है परीक्षा में, लेकिन 30 अंकों से फेल हो जाता है। मोहन जो है वह 40% अंक प्राप्त करता है, जो कि 5 अंक से 10 अंक ज्यादा है, तो पूर्णांक कितना है? अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिशत के बारे में हमने पहले बात किया था। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत यानी कि कार्य की पूर्णता कितनी है। यहाँ 0 है, कोई कार्य है 100% यहाँ पर है। अब देखिए इसे ध्यान से, राम जो है वह कहाँ तक पहुँच पाए? अगर राम एक साइकिल पर सवार व्यक्ति हैं जो कि पास होने की ओर बढ़ना चाहते हैं, अर्थात 100% की ओर बढ़ रहे हैं, 100% यानी कि पूरे मार्क्स, राम को मिले 30% अंक, वो इतनी दूर तक आ पाए। मोहन ने अपनी साइकिल उठाई, मोहन यहाँ तक पहुंचे 40%। अब ध्यान से देखिए, पास होने की ये रेंज है, राम 30 की दूरी पर है, यहां मोहन 10 की दूरी पर है,
से ध्यान से देखिए, जो ये गैप है प्रतिशत का, 340 अर्थात 10% का गैप है। 10% का गैप कितने अंकों से बना है? 13 अर्थात 40। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 10% है वह है 40। तो सीधे सीधे आप इसमें इसका 10 गुना अर्थात 100% अगर करना है तो 40 को गुणा करना पड़ेगा 10 से अर्थात 400। इस प्रकार कुल अंक होंगे 400, जिसमें से 30% जो प्राप्त किए हैं राम ने वो कितने होंगे? 400 × 0.3 अर्थात 120 अंक। और जो मोहन है वह 40% अंक प्राप्त करता है अर्थात 400 × 0.4 = 160 points। पास होने के लिए उन्हें चाहिए 150। तो ये 10 अंक अधिक है और ये 30 अंक कम है राम। इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवालों का उत्तर निकालेंगे जो बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं, इसके लिए किसी कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार एक और सवाल देखते हैं जो कि इसी प्रकार के कैलकुलेशन से बनेंगे, जिसमें ज़्यादा हमें फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं इस प्रकार के सवालों के उत्तर। एक और सवाल देखते हैं, राम को परीक्षा में 32% अंक मिलते हैं, 32% अंक मिलते हैं, पर वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। 32% पाकर वह 20 अंकों से फेल होता है। मोहन 220 अंक पाता है पर वह भी 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है? राम इस सवाल को देखेंगे, राम जो है, जो राम है वह 32% अंक पाता है लेकिन वह 20 अंकों से फेल होता है, 20 अंकों की कमी रह जाती है। मोहन, जो मोहन है वह 220 अंक पाता है, 220 अंक पाने के बावजूद वह फेल होता है 10 अंकों से, अर्थात 10 अंकों की कमी रह जाती है उसे पास होने में, तो कुल अंक क्या है? क्योंकि राम पाता है तो इसमें हम देख सकते हैं 10 अंकों की कमी होती है मोहन को, तो अब मोहन कितना पाता तो पास होता? 220 प्लस 10 अर्थात 230 अंक पाने पर मोहन पास हो जाता। राम को 20 अंकों की कमी है, इसका मतलब ये है कि 20 अंक 230 में से 20 अंक की कमी है अर्थात राम को मिले हैं 210 अंक। राम ने कुल 32% अंक पाए हैं अर्थात 210 जो है वह 32% है कुल अंकों का। अगर हमें 100% निकालना है तो हम क्या करेंगे? 210/32 जिससे निकल आएगा 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू इससे आएगा। और अगर इसे हम 100% में बदलना है कुल अंक तो इसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम इसे 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 656 अंक, अर्थात परीक्षा में 656 अंक थे जिसमें से राम को मिले हैं 210 और मोहन को मिले हैं 220 अंक। इस प्रकार से अंकों के सवाल का हल किया जाएगा। एक हम दूसरा सवाल देखते हैं जिसमें क्रमगत, जो कंटिन्यूएशन में परसेंटेज निकाला जाता है उसके ऊपर है सवाल। सवाल सुनिए, एक कार की कीमत 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए, अगर इसका बीमा 85% का होता है अर्थात 85% गाड़ी के खराबी होने पे 85% का भुगतान किया जाएगा, और जब गाड़ी की दुर्घटना होती है तो कंपनी 80% बीमा कवर का भुगतान करती है, तो प्राप्त रकम जो बीमा हुई रकम जिसका क्षतिपूर्ति किया गया वह कितना होगा? सवाल एक बार और देखिए, एक कार है, कार की कीमत है 3 लाख रुपए की कार है, इसका बीमा होता है 85% का बीमा जो है वह होगा 85% का, और जब क्षतिपूर्ति दी जाती है तो कंपनी 80% बीमा कवर को पूर्ण करती है, कवर जो है वह करती है, तो कितना कुल भुगतान किया गया? तो इस सवाल को देखेंगे, 3 लाख की कार है जिसका बीमा 85% का हुआ है, तो वास्तव में कंपनी ने कितने का बीमा किया है? 3 लाख कुल कीमत है, 3 लाख कुल कीमत जिसका 85% अर्थात
85/100, ये होगा इसका कवर। और जो कंपनी भुगतान करती है वह करती है 80%, अर्थात कुल रकम जो बनी है उसका 80%, अर्थात इंटू 80/100, ये कट जाएंगे, बचेगा कितना, 204,000 रुपये, अर्थात कंपनी भुगतान करेगी 204,000 रुपये का कुल 300,000 के अगेंस्ट। एक और सवाल देखेंगे, अगर राम 60 रुपये का पिज्जा खरीदता है और 5 रुपये की छूट पाता है तो उसे कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिला। एक 60 रुपये का पिज्जा है, एक पिज्जा है जो राम को मिला 60 रुपये में, दुकानदार ने उसे 5 रुपये छूट दिया, छूट के बाद है ये, तो इसे देखेंगे, 60 रुपये का पिज्जा है, 5 रुपये की छूट मिली, तो कुल कीमत जो है वह होती है 65 रुपये। 65 रुपये में उसे 5 रुपये की छूट मिली है, तो 5 रुपये जो है वो 65 का कितना प्रतिशत है यह निकालना है हमें। तो इसे हम देखेंगे, 1% जो है वह कितना होगा, 65 रुपये है 100%, अर्थात ये 100% है। हमें ये जानना है कि 5 रुपये कितना प्रतिशत है, 1% की वैल्यू क्या होगी, 100/5/65×100। तो इससे हम निकाल लेंगे 7.7%, अर्थात जो छूट मिली, डिस्काउंट जो मिला राम को, वह 7.7% था। एक सवाल देखते हैं, इसमें क्रमगत है, यह भी क्रमगत जो प्रतिशत होता है उसका एक सवाल है। एक सवाल सुनिए, अगर पेट्रोल की कीमत 35% बढ़ने के कारण मोहन अपने खर्च में 20% की कमी करता है तो उसे कितना नुकसान या कितना लाभ हो रहा है, अर्थात उसका जो सफ़र करने की जो खर्च है उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, इस कंडीशन में बढ़ी है, 35% बढ़ गई, अर्थात 35% प्लस हो गई, मोहन अपने खर्च को 20% कम कर देता है सफ़र को, ये क्रमगत नियम है। पहले हमने जो सवाल देखा था, जो अंतर आएगा वह आएगा x+y+xy/100। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये जो 35 है वह प्लस में है, जो 20 है वह माइनस में है, तो इसे हम रखेंगे इसमें, तो ये होगा 35 × 20+35×-20/100, इससे हमें मिलेगा 15 − 70 700। तो इससे आएगा आपका 8% का फर्क, अर्थात कमी करेगा वो 20% अपने सफर में, लेकिन उसके बाद भी उसे कुल 8% अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा अपने सफर के लिए और अपने वाहन के खर्च के लिए। एक और सवाल देखते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे ध्यान से देखिएगा। गोपाल अपनी आय का 80% खर्च करता है,
अपनी आय का 80% खर्च करता है, जितना उसको आय होती है उसका 80%, और बाकी को बचा लेता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ गई, आय जो है वह 20% बढ़ गई, तो वह अपना खर्च जो है 10% और बढ़ा लेता है। ये कुल पहले का खर्च है, जब वो कम पाता था, आय उसकी बढ़ गई 20%, तो उसने अपना खर्च 10% बढ़ा लिया। अब उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? गोपाल अपनी आय का 80% खर्च करता है और बाकी जो है वह बचा लेता है, 20% वह बचाता है। लेकिन जब उसकी आय बढ़ती है 20%, तो वह खर्च में बढ़ोतरी कर लेता है अपने 10% और, तो अब वो कितना बचा रहा है? जो बचत है वह कितनी होगी? अब कितनी प्रतिशत बचत होगी? तो इसे देखेंगे, कुल खर्च है 80%, बढ़ा खर्च है 10%, अर्थात अब कितना वह बचा रहा है? तो अब वो कितना खर्च कर रहा है? खर्च जो है वह था 80%, इस 80 में से उसने 10% और बढ़ाया, तो 80 का 10% कुल खर्च अब हो गया। कुल खर्च जो है 80 प्लस 80, 10/100, अर्थात 10% बढ़ा है। अब उसका खर्च क्या है? 8. ये आएगा आपका 88% हो गया, क्योंकि उसने 10% बढ़ाया हुआ है। अब उसकी जो नई बचत है, पहले उसे मिलता था कुल आय 100%, आय उसका बढ़ा है 20%, तो अब उसका आय हो गया है 120%, खर्च हुआ है उसका 88, आय हुआ 120 ऋण 88, अर्थात अब ये होगा 32%, जो उसकी नई बचत है। नई बचत जो है उसकी 32 है, पुरानी बचत है वह 20% है, नई बचत है 32%। तो जो नई बचत है वह, अब इसमें देखेंगे, ये 20% है पुरानी बचत, नई बचत है 32%, कितना प्रतिशत अधिक बच रहा है अब? 32 ऋण 20, अर्थात 12%। जो ये 12% है वह 20 का कितना है? तो इसे देखेंगे, ये होगा 12/20 × 100, अर्थात 2 × 12 = 20 × 10 = 10, अर्थात 60%। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी बचत राम कर गोपाल करता था वह 60% बढ़ गई है, अर्थात वह 60% अधिक बचत कर पा रहा है नए कंडीशंस के साथ। प्रतिशत के सवालों में आज के लिए इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक पे और क्लिक करिएगा। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए चैनल के इस वीडियो के नीचे दिए गए चैनल सब्सक्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़िएगा। हमारे चैनल पे लगभग 3000 वीडियो हैं जो अलग अलग विषय के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, गवर्नेंस और एप्टीट्यूड के बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, जिसको देखकर आप उनका लाभ उठा सकते हैं। यह पूरी तरह से शुल्क रहित है और हमसे जुड़ना भी बिल्कुल शुल्क रहित है, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए और अपना मार्गदर्शन दीजिए, जिससे हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो ला सकें, जिससे आपका और हमारे अन्य छात्र साथियों का हित हो सके और वे अधिक से अधिक सफलता और ज्ञान अर्जित कर सकें। धन्यवाद।